नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के भूतपूर्व बल्लेबाज विजय मांजरेकर के बारे में। विजय मांजरेकर का पूरा नाम विजय लक्ष्मण मांजरेकर था। उनका जन्म 26 सितंबर 1931 को मुंबई में हुआ। वो क्रिकेटर संजय मांजरेकर के पिता है। उनके अंकल दत्ताराम धर्मजी हांडलेकर भारत की ओर से 4 टेस्ट मैच खेले हैं। इस तरह उनकी 3 पीढ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। वो अपने घरेलू क्रिकेट करियर में मुंबई, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र की ओर से खेले हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 30 दिसंबर 1951 को इंग्लैंड के खिलाफ कलकत्ता में खेला, जिसमें पहली पारी में उन्होंने 48 रन बनाए और दूसरी पारी में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। यह मैच ड्रॉ रही थी। उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जून 1952 को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में लगाया था। उन्होंने पहली पारी में 133 रन की पारी खेली थी और दूसरी पारी में वह पहले ही बॉल पे आउट हो गए थे। वह तब सिर्फ 20 साल के थे। उन्होंने अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन 1961 में इंग्लैंड की टीम जब भारत के दौरे पर आई तब किया था। उन्होंने 5 मैच की सीरीज में 8 पारी में 84 की औसत से 586 रन बनाए थे, जिसमें 4 अर्धशतक और 1 शतक शामिल था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1964 में 3 टेस्ट मैच की सीरीज़ के दूसरे मैच में पहली पारी में 59 रन और दूसरी पारी में 39 रन बनाए थे। इस मैच में उनका यह प्रदर्शन भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखता था। यह मैच भारत 2 विकेट से जीत गया था और यह सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ हुई थी। उन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट में एक भी छक्का लगाए बिना 3000 से ऊपर रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। बाद में उनका यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के जोनाथन ट्रॉट ने तोड़ा था। उन्होंने अपनी आखिरी टेस्ट पारी में न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया था। उन्होंने 102 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने विजय हजारे के साथ मिलकर इंग्लैंड के खिलाफ 4थी विकेट के लिए 222 रनों की भागीदारी की थी, जो भारत और इंग्लैंड के बीच 4थी विकेट के लिए सबसे बड़ी भागीदारी थी। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 55 टेस्ट मैच खेली, जिसकी 92 पारी में 39 की औसत से 3208 रन बनाए, जिसमें 15 अर्धशतक और 7 शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 189 रन का है और उनके नाम 1 विकेट भी है। उन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट में कभी छक्का नहीं लगाया था। उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच 27 फरवरी 1965 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, जिसमें पहली पारी में 19 रन और दूसरी पारी में 102 रन बनाए थे। उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर में 198 मैच खेले, जिसकी 295 पारी में 50 की औसत से 32,832 रन बनाए, जिसमें 56 अर्धशतक और 38 शतक शामिल है, और उनका सर्वाधिक स्कोर 283 रन का है। उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 32 की औसत से 20 विकेट भी है। वो स्पिन बॉलिंग को भलीभांति पहचान लेते थे। उनके पास भारतीय स्पिनर ईएएस प्रसन्ना और बीएस चंद्रशेखर की बॉलिंग का जवाब था, इसलिए ईएएस प्रसन्ना ने उनके बारे में कहा था कि सुनील गावस्कर प्लस गुड़प्पा विश्वनाथ बराबर विजय मांजरेकर। उनको 1965 में अर्जुन अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, ऐसे ही दूसरे क्रिकेटरों की महत्वपूर्ण बातें और रिकॉर्ड जानने के लिए हमारी चैनल पर बने रहिए और हमारी चैनल क्रिक टुडे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।